भाजपा पर जमकर बरसे सपा राष्ट्रीय महासचिव। हाथरस जिले की सादाबाद विधानसभा क्षेत्र के कस्बा सादाबाद में समाजवादी पार्टी द्वारा मोदी सरकार की विफलता के 4 साल पर एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सपा के कद्दावर नेताओं ने भाग लिया। यहां सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन ने भाजपा पर चुटकी लेते हुए कहा कि नूरपुर कैराना की हार से भाजपा के बेमिसाल 4 साल साफ दिखाई देते हैं। यहां ये मंच पर आने वाले 2019 की ओर इशारा है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में जरूर भाजपा हो, लेकिन समी से जुड़ी पार्टी केवल समाजवादी पार्टी है। उन्होंने कहा कि भाजपा 4-5 महीने और सत्ता में है, बाकी 2019 में भाजपा का नाम लेने वाला और उन्हें पानी देने वाला कोई नहीं होगा। हमारे छोटे भाई विधान परिषद के सदस्य अतीत यादव जी, आपके केस से विधायक है भाई देवेंद्र अग्रवाल जी, आज के पूर्व जिलाध्यक्ष और संचालक चौधरी भाजी जी की ब्लॉक प्रमुख मैं दिलीप गुप्ता जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख धीरपाल सिंह और बॉबी यादव, सभी जिला पंचायत के सम्मान्य सदस्य, बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, हम अपनी ओर से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए मैं विशेष रूप से चौधरी भाजी जी का, उनके बेटे मोन्टू का धन्यवाद देता हूं। ये काम घर जो कुछ मिठाई आपको दे रही है, अगर चौधरी भाजी जी इंतजाम न करते तो काम घर दिखाई नहीं देती। भाई देवेंद्र अग्रवाल, मनोज यादव, तमाम साथियों का जिन्होंने इस प्रदर्शन के लिए कोशिश की, प्रयास किया, हमारे गांव के बगल के गांव के लोग आए हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, सभा हो रही है, ये सभा एक संकेत देने आई है, इशारा देने आई है कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है और दिल्ली में मोदी की सरकार है। भाजपा दिल्ली और लखनऊ में तो है, लेकिन जमीन पर अगर कोई पार्टी है तो उसका नाम समाजवादी पार्टी के अलावा कोई दूसरा नहीं। हम लोग कैराना जीते, फूलपुर जीते, गोरखपुर जीते, नूरपुर जीते, भाजपा के लोगों 5-6 महीने और रह लो सकता हमें। 2019 में तुम्हारा नाम देगा, पारी देगा, इस देश में कोई पैदा नहीं होगा। अभी हमारे मित्रों ने जिक्र किया, बड़े बड़े अखबार में इश्तहार, बड़ा प्रचार, बेमिसाल 4 साल, 4 साल बेमिसाल, ये बेमिसाल 4 साल है, उसी का लेखा जोखा करने के लिए हमारे अभी हमारे साथियों ने कहा कि 8 लाख सत्ता बाद 15-15 लाख रूपये जेल में आ जाएंगे, तो बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा यह तो झूठा था, झूठ था ये, झूठ बोल करके सरकार में आए। और नौजवान दोस्तों, याद रखना, ये जिंदगी से कभी स्विट्जरलैंड की बैंक से 1 पैसा नहीं निकाल सकते, इनको कानून मालूम नहीं है। स्विट्जरलैंड की बैंक से अगर कोई पैसा निकलेगा तो उससे सबसे पहले स्विट्जरलैंड की संसद की मंजूरी देनी पड़ेगी, लोगों को गुमराह करने का काम, किसान की उपज का डेढ़ गुना दाम देंगे, लागत का डेढ़ गुना दाम, कहां मिल गया डेढ़ गुना दाम। और हम कहते हैं 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, मूंग की लागत 5700 रुपये प्रति क्विंटल है, मूंग की लागत, और 5575 रुपये इसका भाव देना, ज्वार का लागत मूल है 2089 रुपये और मिल रहा है 1700 रुपये,
एक संजय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी, कहा कि मोदी ने वादा किया था कि हम डेढ़ गुना दाम देंगे। तो अटॉर्नी जनरल जो सरकार का वकील होता है, जो सरकार का पक्ष रखता है, उसने कहा यह काम तो हो नहीं सकता। कामयाबी के चार साल, उन्नीस सौ पचास के चावल में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान का 68%, और अब रह गया है 14%। चार साल के मोदी के राज में कृषि विकास दर शून्य है, शून्य है, शून्य। सत्तर इकहत्तर में गेहूं का भाव था 68 रुपये प्रति क्विंटल और धान का भाव था 51 रुपये प्रति क्विंटल। सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ी है 300 गुना, 400 गुना। मेरे पार्टी क्लास में पढ़ता था टीचर में, तो प्राइमरी के हेडमास्टर को मिलते थे 60 रुपये और सहायक अध्यापकों को मिलते थे 58 रुपये। आज प्राइमरी के अध्यापकों मिलने 40,000 रुपये। किसान की औसत आयु है 1700 रुपये प्रति महीने।